एवरीवन, आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट सहयोग किया और जिसका परिणाम स्वरूप आज आप देख रहे हो कि जुडिशरी के फील्ड में एक अपना अलग पहचान बनते जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए क्या है कि स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। आप लोगों ने जो इतना प्यार सपोर्ट दिया मुझे, तो हम आप लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं पटना अनअकैडमी सेंटर, अनअकैडमी स्टोर, बोरिंग रोड, पटना अनअकैडमी सेंटर, अनअकैडमी स्टोर पे जो हम पटना पे आ रहे हैं। कितने तारीख को आ रहे हैं? 14 फरवरी को आ रहे हैं। 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे हमारी मुलाकात आप सभी से होगी। जुड़ना मत भूलना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी जुडिशियल एस्पिरेंट हैं जिनको बहुत समस्या होता है, हर प्रकार के प्रश्न आपके मन में उठते हैं कि सर जुडिशरी का तैयारी कैसे करें, सर मेरे पास कोई टीचर भी नहीं जो आपको पढ़ाएगा, कैसे हम अपना पढ़ाई कर सर पूरा करें, सर हमको समझ नहीं आता है कि अपना आंसर राइटिंग कैसे करें, सर घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि कोई घर का सपोर्ट कर रहा है, क्या करें सर, जज बनना एक सपना है, आपके मन में कई सवाल होंगे। उन सारे सवालों के जवाब मैं आपको पर्सनली लाइव एकदम साक्षात दर्शन होगा मेरा, आप लोगों के साथ एक मुलाकात होगी, मुलाकातें दास्तां, और हर सवालों के जवाब आपके दिए जाएंगे। 14 तारीख डेट मत भूलना दोस्तों, 14 तारीख को फरवरी, 14 फरवरी, 14/2/2023 दोपहर के 12 बजे पटना अनअकैडमी सेंटर, बोरिंग रोड। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट, जो भी जुडिशियल एस्पिरेंट 12 तारीख को अनअकैडमी सेंटर पे उपस्थित रहेगा, उसके लिए कुछ स्पेशल रहेगा, मेरे तरफ से भी रहेगा और अनअकैडमी के तरफ से भी रहेगा स्पेशल ऑफर फॉर अटेंडीज। तो जुड़ना मत भूलिएगा, इस बार लॉ के फील्ड में होने वाला है बहुत बड़ा भूचाल। आपके मन में सवाल उठता होगा, सर बिहार जुडिशरी कब आएगा, सर बिहार जुडिशरी की तैयारी कैसे करें, हर सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, बहुत मजा आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लाइफ में हमेशा हम आप लोगों को बताते रहते हैं कि लाइफ में कुछ भी परिस्थिति हो, रुकना मत, बस रुकना मत, चलते चलना है। वो कहते हैं ना, ना दर्द ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो। तो जुड़ना मत भूलना।